नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला के रामपुर पंचायत में आज ब्रह्मस्थान में खूब धूमधाम से पूजा पाठ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि समाज के सहयोग से और पंचायत के फंड से यहां पर एक छोटा सा विकासमत कार्य किया गया है और आने वाले दिनों में और विकास होगा, ऐसा मुखिया उप मुखिया प्रतिनिधि ने बताया है। आपको बता दें कि यहां पर इस पंचायत के मुखिया हैं बबलू ठाकुर और उप मुखिया जो हैं यहां पर देख सकते हैं, उप मुखिया जो हैं लक्ष्मी कुमारी वो भी मौजूद हैं, उनके प्रतिनिधि मौजूद हैं, कांग्रेस नेता यहाँ पर गणेश चौधरी मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हों, गाँव के नेता हों, खासकर जनप्रतिनिधि जो भी लोग हैं यहाँ पर, और गाँव के समाज के महिलाएँ, खासकर भारी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर जमा हुई हैं। छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर, जो यहाँ आज देवी भोजन कराया जा रहा है, यहाँ पर उनका दृश्य हम आपको दिखाएंगे। गांव के युवा एक एक घर से सभी लोग अपने खासकर ब्रह्मस्थान में यहाँ मौजूद हैं और इन गांव के लोगों का यहाँ ब्रह्मस्थान में बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। प्रत्येक शुभ कर्म में, चाहे मुंडन हो, जनेऊ हो, शादी हो, ब्याह या फिर किसी तरह का भी घर में जो आयोजन होता है, उसमें यहाँ आकर माथा टेकना, पूजा पाठ करना, प्रसाद चढ़ाना ब्रह्मस्थान में काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण रखता है इस समाज के लोगों का। श्रीरामपुर पंचायत के सभी जनता, सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और बढ़ चढ़ कर एकता के साथ, ये सबसे बड़ा एक मैसेज आता है इस गांव के लिए कि सभी लोग एकता के साथ इस पूजा पाठ को कराते हैं। यहाँ देख सकते हैं, इन देवियों को देखिए, भोजन ग्रहण कर रही हैं, प्रसाद ग्रहण कर रही हैं और यहाँ ब्रह्मस्थान का यही वो दृश्य है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी लोग वहाँ रह कर ही आशीर्वाद ले सकते हैं दूर से ही। यहाँ देख सकते हैं भव्य रूप से जो देवी भोजन कराया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों ने श्रद्धा के साथ इसमें भाग लिया है और पूरे समाज के साथ, पूरे पंचायत के एक एक जनता के साथ, इस गांव के लोगों के साथ ये मिलकर यहां पर ये भव्य रूप से पूजा पाठ का आयोजन हो पाया और भजन संध्या, एक तरह से पूजा पाठ के दौरान यहां पर भक्ति गीतों का जो दौर चल रहा था, इसमें कलाकारों के द्वारा यहाँ पर नए नए गीत जो है, खासकर देवी देवताओं के लोक गीत भी गाए जा रहे थे। विशेष कवरेज देखिए, इंटरव्यू सुनिए और सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आपको बता दें कि इस गांव में, खासकर दरभंगा जिला के श्रीरामपुर पंचायत हायाघाट प्रखंड में आता है अशोक पेपर मिल। यहाँ पर क्या हुआ है? जानकारी दे रहे हैं श्रीरामपुर पंचायत का, श्रीरामपुर समस्त ग्रामीण सब मिल के हर दुर्सुलात के संग पूजा कर रहे हैं। साल में हम लोग एक बार करते हैं, 100-150 कुमारी को खिलाते हैं, 100-150 ब्राह्मण को खिलाते हैं। हम लोग को इस देवी देवता पर बहुत आस्था है। कोई भी शादी ब्याह होता है तो हम लोग पहले इनको निमंत्रण देके तभी हम लोग कुछ काम करते हैं। ऐसा मानता है जो कोई भी पांच कुमार या कोई भी ऐसा यहाँ पर कुछ मांगने से उनका पूरा होता है। तो ये आज यहाँ पर ये कौन सा स्थान है? ये ब्रह्म स्थान है। वहाँ वो भी जी, वो जियाराम थान है, ये ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान, यहाँ हर साल पूजा पाठ, हर साल साल में एक बार होता है पूजा। तो ऐसे हर लगन में होता है, मगर समस्त ग्रामीण का जो सामूहिक पूजा होता है तो इसी साल में, इसी महीना में होता है। क्या नाम हुआ आपका? गिरधारी चौधरी। पूरा गाँव मिल करके ये पूजा कर रहे हैं और ये बाउंड्री वाल पंचायत स्तर से हुआ है। मंदिर जो है पूरे गाँव मिल के बनवाया और उसके बाद ये बल्ली बाबा स्थान हुए, मतलब ब्रह्म स्थान हुए, इनका नाम हुआ बल्ली बाबा और वहाँ पे दियाराम बाबा। और क्या क्या करना चाहते हैं पंचायत के लिए? पंचायत के लिए अभी इसमें पूरा मिट्टीकरण होगा, फेवर ब्लॉक पीछेगा, इसका चबूतरा बनना, इन सब काम भी चाहिए ना? तो जी जी, लग रहा है देख रहे हैं जितना भी खाली है उतना मिट्टी पड़ेगा, उसके बाद मतलब फेवर ब्लॉक बैठेगा, फिर कुर्सी बैठने के लिए बनेगा, यही सब। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मतलब यहाँ पे महसूस होता है और ग्रामीण सब हर्ष और उल्लास से पूजा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आज क्या क्या हुआ यहाँ पर? आज यहाँ पे मतलब कुमार मतलब खाया है, ब्राह्मण भोजन हुआ है, भगवान का पूजा पुनः स्थापित हुआ, मंदिर बना है, कीर्तन भजन हो रहा है, यही सब हुआ। सब कभी 51 आदमी जा करके सिमरिया से जल लाए हैं। कहाँ कहाँ के लोग हैं इसमें? इसमें पूरे पंचायत के लोग हैं, श्रीरामपुर पंचायत के, बाकी बाहर के भी हैं, सिधौली पंचायत के भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अखिलेश चौधरी हुआ। कौन है? मुखिया प्रतिनिधि हुआ। हुआ है सब लोग मिलकर बल्ली बाबा मंदिर का नया स्थापना किए हैं, ग्रामीण के सहयोग से हुआ है, जिसमें पूरे ग्रामीण का सहयोग किया गया है, किसी के पर्सनली सहयोग से नहीं हुआ है, इसमें पूरा गांव का लोग सहयोग किए हैं। कितना साल पुराना ये पीपल का पेड़ होगा? पीपल का पेड़ हमारे जन्म से पहले का है, हमारा जन्म 85 साल से पहले का है। अब हम लोग 85 हमारा जन्म है, उससे पहले का है। पता करने का कोशिश नहीं की कितना साल पुराना है? 100 साल पुराना होगा ये। 100 साल पुराना? 100 साल पुराना होगा। कैसा लग रहा है आज यहाँ पर इतना बड़ा जो भजन का कार्यक्रम है, कैसा लग रहा है? इतना अच्छा यहाँ का माहौल है, अच्छा यहाँ का बाद। क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय। Oh, 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 oh,
Thank you.